हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने के स्टाइल फूड में। तो चलिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पेस्टो पास्ता की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं पेस्टो पास्ता बहुत ही आसानी से। अब इसे बनाना कैसे है, इसके लिए आपको सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लेना है। अब परफेक्ट पास्ता कैसे बॉईल करना है, बॉईल पानी में आपको थोड़ा सा तेल और अच्छा तेज़ नमक डाल के पास्ता को बॉईल करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। और कट करके देख लीजिएगा, वाइट लाइन तो फॉर्म नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो आपका परफेक्ट पास्ता रेडी है। अब इसे गर्म पानी से अलग कर लीजिएगा। ये देखिए रेडी है आपका पास्ता। तो चलिए अब हम पेस्टो सॉस बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, चीज़, वॉलनट्स, बेजिल लीव्स और थोड़ी सी गार्लिक। ये फ्रेश बेजिल है, यहाँ पर वह चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्रोकली और टमाटर डाला है। अब हम पेस्टो सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेश बेजिल लीव्स को लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हम बैचेस में ऑलिव ऑयल को डालेंगे ग्राइंड करने के लिए, पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। थोड़े से वॉलनट डालेंगे, थोड़ा सा पामेजान चीज़ जाएगा और थोड़ा सा गार्लिक, बस इतना ही। अब इसे धीरे धीरे ग्राइंड करते जाइएगा और बीच में ऑयल ऐड करते जाइएगा। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पोरस होनी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट हमें नहीं बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रेडी होगी। अब हम पास्ता रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा पैन में ऑयल ले लीजिए, बहुत थोड़ा सा, सिर्फ आपकी वेजिटेबल्स सौते हो जाए उतना। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को ले लिया है और इन्हें सौते किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं पास्ता डालूंगी। अब यह स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। वैसे जनरली इटालियन वर्जन में पास्ता बॉयल करके डायरेक्ट ऐड कर लिया जाता है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा पास्ता सौते करूँगी। वेजिटेबल्स के साथ मैंने इसे सौते कर लिए हैं। थोड़ा सा क्रंच डेवलप होने दूंगी मैं, उसके साइड्स में थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए मैं उतना सौते करूंगी। बढ़िया से सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम पास्ता को सौते करेंगे, इतना कि एक हल्की सी गोल्डन साइड डेवलप हो जाए, बस इतना ही। बस अब यहाँ पर हम इसमें पेस्टो सॉस डालेंगे। अब ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस पूरे जो पास्ता का हमने ये मिक्स तैयार किया है इसको साइड में रख के बिना गैस फ्लेम के भी ये सॉस ऐड करके मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा हीट में ही से करना प्रेफर करती हूँ ताकि अच्छे से मिल जाए और सारे फ्लेवर्स अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैंने पेस्टो सॉस अपनी ज़रूरत के अनुसार डाल लिया है। इतने पास्ता में करीब 2 से 3 चम्मच सॉस जाएगा। इसे डाल के सिर्फ 30 सेकेंड के लिए कुक कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए बस, और मिक्स कर लीजिए और बस इट्स रेडी टू सर्व। ये देखिए तैयार है आपका पेस्टो सॉस पास्ता। कितना यमी और डिलीशियस दिख रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग, और कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आया है इसका। इसमें वेजेस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी ग्रीन रंग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रोकलीज ऐड की है, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल ऐड कीजिए और बढ़िया से पामेजान चीज़ से सर्व कीजिए। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो इसी तरीके की और टेस्टी यमी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद आ रहा है ना तो शेयर भी कर दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग द चैनल।